पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म हुए और आज यानी 1 दिसंबर से ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 21 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली में 1 दिसंबर 2023 से 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के लिए अब 1796.50 रुपए जमा कराने होंगे। इससे पहले 16 नवंबर को इसकी कीमतों में कटौती की गई थी और 1775.50 रुपए का हो गया था। मुंबई में 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत आज से 1749 रुपए, कोलकाता में 1885.50 रुपए और चेन्नई में 1968.50 रुपए हो गई हैं। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ने का असर खास तौर पर रेस्टोरेंट या खाने पीने के कारोबार पर पड़ता है। इसका असर बाहर खाना खाने वाले लोगों की जेब पर भी जरूर पड़ेगा। वहीं आपको बता दें, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। कंपनियों ने 14.2 किलो वाले LPG गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया है। मतलब कि जो गैस सिलेंडर हम घरों में इस्तेमाल करते हैं 14.2 किलो वाला, इसके LPG गैस सिलेंडर के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आपको बता दें, इससे पहले सरकार ने इस सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए की कटौती की थी। इंडियन ऑयल की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में ये सिलेंडर 903 रुपए में उपलब्ध है, नोएडा में ये सिलेंडर 900 रुपए 50 पैसे, इसी तरह कोलकाता में 929 रुपए, मुंबई में 902 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 918 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर उपलब्ध है। इसके अलावा आपको बता दें, एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी ATF की कीमत में भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 दिसंबर को दामों में कटौती कर दिया। यानी ATF के दामों में गिरावट होने की वजह से उम्मीद ये होती है कि घरेलू एयरलाइन कंपनियां हवाई किराए में पैसेंजर को कुछ राहत दे दें, यानी देश में एयर ट्रेवल करना सस्ता हो सकता है। तो फिलहाल यही अपडेट चल रहा है। कमर्शियल गैस सिलेंडर जो 19 किलो वाला है, उसके रेट बढ़ गए हैं, 21 रुपए दामों में बढ़ोतरी हो गई है। घरेलू गैस सिलेंडर में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है और एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी ATF की कीमतों में कटौती हुई है, जिससे हवाई यात्रा के किराए में कमी आ सकती है। इस वक्त का यही सबसे बड़ा अपडेट चल रहा है। ऐसे ही काम की ताजा खबरों के लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के लिए बने रहिए माय स्मार्ट गाइड पर।